हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RUHS जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था उसमें जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है, किस किस विद्यार्थी को कॉलेज मिलेगी और किस किस तरह से आपको काउंसलिंग करवानी है। जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो किस प्रकार करवानी है उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेता कि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर और फुली गाइडेंस मिलती है। हाँ, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं जिस भी वीडियो को बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो में कम से कम आपके 80 से 90 कमेंट ऐसे रहते हैं तो जो बोलते हैं कि सर हमें काउंसलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और किस प्रकार काउंसलिंग करवानी है और हमारे कम से कम नंबर आ रहे हैं सर, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप हमसे पर्सनली आपकी बातें पूछ सकते हो और इन्फॉर्मेशन वहाँ भी पा सकते हो, रोजाना यहाँ पर बता दिया जाता है आपको। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में किस प्रकार कॉलेज मिलेगी, किस प्रकार नहीं मिलेगी, वो हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर ये रूल आप फॉलो करते हो तो आपको कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, जो हम रूल आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी इस रूल को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि जो भी मेडिकल लाइन से रहता है और मेडिकल फील्ड के बारे में जितनी नॉलेज रहती है, हमें जितनी नॉलेज है वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। बाकी आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाना। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब आपका होगा तो उसमें कैसे कैसे कॉलेज भरे और कौन कौन सी कॉलेज भरे। तो सबसे पहले ये वीडियो उन विद्यार्थियों यह इसको सबसे पहले उनके लिए है, यह पर 28 से 35 जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना आप, जिस भी विद्यार्थी के 28 से 35 तक स्कोर बन रहा है RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, तो उनको विद्यार्थियों को क्या करना है, ऑल राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं, ऑल राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों को फिल करना है जब आपको कॉलेज मिलना संभव होगा, अन्यथा आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ये रियलिटी बात है। अगर हम आपको कह दें कि 28 नंबर हैं और 28 नंबर आप कोटा का लेना चाहते हो, 28 नंबर पे आपको कोटा मिल जाएगा, तो हम श्योर कह रहे हैं। अगर ऐसा हम आपसे कह देंगे तो आप कल ही आके हमारी वीडियो पे कमेंट करोगे, सर आपने हमसे बोला था कि 28 पे कोटा मिल जाएगा, तो हमने नहीं भरा था, हमने यही कॉलेज फिल किए थे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऑल राजस्थान की कॉलेज भरते हो तो आपको हाँ ये प्रायोरिटी है कि कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक आपके लिए फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि 28 से 35 आए तो इनमें से काफ़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ ऐसे रहते हैं वो दूर कॉलेज नहीं लेते हैं, दूर कॉलेज नहीं लेते हैं तो वो एडमिशन ही नहीं लेंगे। अगर उनको दूर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो एडमिशन ही नहीं लेंगे, तो ये फ़ायदा रहता है काफ़ी बच्चों के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो दूर जाकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो कोई विद्यार्थी है करौली का है या धौलपुर का है, और करौली धौलपुर से वो कहाँ पर उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जैसलमेर में कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है ना, जैसलमेर में कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जैसलमेर का जो फासला है वो 700-800 किलोमीटर का फासला है धौलपुर से और जैसलमेर तक का, तो देख सकते हो वो विद्यार्थी वहाँ भी जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि वो तो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कम नंबर आ रहे हैं तो ऑल राजस्थान कॉलेज सेलेक्ट करना है, और ऑल राजस्थान भी सेलेक्ट करो आप तो आपके जो ज़िले की कॉलेज है, अब आप जिसको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहते हो उस होम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज को आप 80 से 90 नंबर पर प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। ये बात हो गई 28 से 35 नंबर वालों की। अब बात करते हैं आपके जो भी है 35 से 50 नंबर जिस भी विद्यार्थी के भर रहे हैं, 35 से 50 नंबर जिस भी स्टूडेंट्स के भर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि उनको क्या करना है। तो जिस भी स्टूडेंट्स के 35 से 50 स्कोर रह रहा है उनको क्या करना है, वो स्टूडेंट्स क्या करें, पहले तो सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज है वो भर देनी है। 35 से 50 तक आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देनी है। गवर्नमेंट कॉलेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगी तो वैसे आपको है नहीं, लेकिन आप कर देना फर्स्ट राउंड में, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज फिल करनी है सबसे पहले। सबसे पहले जैसे जयपुर में कोई विद्यार्थी लेना चाहता है कॉलेज, जयपुर में कोई कॉलेज लेना चाहता है तो जयपुर की आपको 25 से 30 कॉलेज फिल कर देनी है, जो अच्छी अच्छी कॉलेज है उनको आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आप जयपुर की कॉलेज फिल कर देते हो, तो सभी विद्यार्थियों को जयपुर में कॉलेज फिल कर देना है, ठीक है ना। अब आपको जयपुर में कॉलेज फिल करने के बाद एक दो डिस्ट्रिक्ट की और कॉलेज फिल कर देनी है, तो हम श्योर हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। 35 से 50 नंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, अगर ये 35 से 50 नंबर वाले स्टूडेंट ये रूल फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि जिनके 50 से 60 नंबर हैं, 50 से लेकर के 60 नंबर हैं उनको क्या करना है, 50 से 60 नंबर वाले स्टूडेंट्स को ये करना है, सब देखो 50 से 60 नंबर जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर हैं उनको देखो, ओल्ड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। अब प्राइवेट कॉलेज, ओल्ड जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो मिलेंगी नहीं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको चांस है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली है, ठीक है ना, न्यू जो गवर्नमेंट कॉलेज खुली है सेशन 2021-22 में और सेशन 2022-23 में, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली है ना उनको आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले 2021-22 में जो कॉलेज खुली है उनको प्रायोरिटी देना है, फिर 2022-23 में जो कॉलेज खुली है गवर्नमेंट उनको प्रायोरिटी देना है, फिर ओल्ड जो कॉलेज हैं जैसे SMS, RUHS, जोधपुर, बीकानेर, उन कॉलेजों को प्रायोरिटी देना है। उनके बाद में क्या करना है, 50 से 60 नंबर वालों को बस 2 या 3 कॉलेज भरनी है, 2 या 3 कॉलेज आपको फिल कर देनी है, ठीक है ना, 2 या 3 कॉलेज आपको फिल कर देनी है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, जो कॉलेज अच्छा लगे, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लगे वो कॉलेज आपको फिल कर देनी है, ठीक है ना, वो कॉलेज आपको फिल कर देनी है, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपकी सीट खाली होगी तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं जिन भी विद्यार्थियों की 60 से लेकर के और 70 नंबर तक है, ठीक है ना, 60 से 70 नंबर तक जिन भी स्टूडेंट्स के हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं आपको एक गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती है कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं भरनी है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं भरनी है। प्राइवेट कॉलेज नहीं भरनी है, क्यों नहीं भरनी है, प्राइवेट कॉलेज का एक रूल रहता है, अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भर देते हो तो उस प्राइवेट कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाना जरूरी हो जाता है। इन चीज़ों को आपको अगर ध्यान रखना है और सही से काउंसलिंग करवानी है तो हमारा तो यही आपसे कहना है कि आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। और जिन भी विद्यार्थियों के 28 से 35 नंबर आ रहे हैं तो आपको ऑल राजस्थान में कॉलेज फिल कर देने हैं, और बाकी आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगर लेना चाहते हो तो होम डिस्ट्रिक्ट में कर देना, अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। अगर हम आपसे बोल दें कि किसी स्टूडेंट्स के 26 नंबर आ रहे हैं और 26 नंबर पे हम बोल दें कि हाँ तुझे भाई जयपुर कॉलेज मिल जाएगा, तो भाई जयपुर की कैसे बोल दें हम, 26 नंबर पे जयपुर कॉलेज नहीं मिलेगा। ऑल राजस्थान में अगर आप कर देते हो तो आपके लिए चांस बन जाता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, वहाँ भी आप हमसे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ भी हमें स्टोरी भी मेंशन करते रहते हैं रोज़ पर डे की। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इस तरह से आपको काउंसलिंग करवानी है काउंसलिंग, और हम आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब और बता देंगे कैसे फिल करनी है, और बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की आपको लिस्ट डाल देंगे, जल्दी ही लिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आपसे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय सभी स्टूडेंट्स के लिए।